नमस्कार, डीवी न्यूज में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर के पूंछ जिले में बुधवार को सेना के जवानों ने 10 किलो आईडी और एक AK-56 जैसे घातक हथियारों के साथ तीन आतंकियों को जिंदा पकड़ा है। तीनों आतंकी LOC पर करमारा सेक्टर में भारत में घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। सेना की कार्यवाही में तीनों आतंकी घायल भी हुए हैं। सेना ने इनके कब्जे से हेरोइन जैसा संदिग्ध नशीला पदार्थ भी बरामद किया है। सेना के जवानों को जैसे ही बॉर्डर पर संदिग्ध मूवमेंट की भनक लगी, जवाबी कार्रवाई करते हुए इन्होंने फायरिंग कर दी। गोलीबारी की घटना में तीन आतंकी घायल भी हो गए हैं। वहीं सेना की ओर से पूरे इलाके में अभी भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक सेना को आशंका है कि कुछ और आतंकी बॉर्डर पार कर घुसपैठ की कोशिश कर सकते हैं। वहीं तीनों आतंकियों के पास से AK-56 राइफल के अलावा एक मैगजीन, 10 गोलियां, 2 पिस्टल, 4 मैगजीन, 70 गोलियां, 6 ग्रेनेड, 20 पैकेट हेरोइन जैसा नशीला पदार्थ और प्रेशर कुकर में संदिग्ध IED जैसे विस्फोटक भी बरामद किए गए हैं।